हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है मेरे इस बाइजर के ऊपर है। जिन्होंने मेरे बाइजर इंस्टॉलिंग का वीडियो नहीं देखा, उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो आप लोग जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए और जल्दी से वीडियो को देखिए। बाइजर के साथ बाइक का लुक काफ़ी अच्छा आता है, बट मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वो सब कुछ आज शेयर करूँगा आपके साथ। सो वीडियो में पूरा बने रहिए। तो गाइज आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बाइजर में मुझे कौन कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉब्लम आ रहा है मेरे बाइक में बाइजर के साथ, यहाँ से जो ईयर पास हो रहा है बहुत सारा गैप है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से गैपिंग से बहुत ही ईयर पास होता है और नॉइज़ वगैरह बहुत आता है, इंजन का नॉइज़ आता है बहुत। वो मैं आपको दिखा दूँगा बाइक चलाते वक्त कितना नॉइज़ आता है। अगर मैंने GoPro वगैरह लगाया ब्लॉग करने के लिए, तो यहाँ से जो नॉइस पास होता है उसके कारण से मुझे बहुत दिक्कत आएगा, वीडियो में आप लोगों का आवाज़ सुनाई नहीं देगा। बाइजर मेरे को हटाना पड़ेगा, बट बाइजर के साथ लुक बहुत ही अच्छा आता है। और दूसरा जो प्रॉब्लम आ रहा है बाइजर के साथ, ये एक तो देखिए यहाँ से बाइजर टूट गया, मतलब क्रैक हो गया, मतलब यहाँ से काफ़ी लो क्वालिटी का लग रहा है बाइजर, मुझे अच्छा नहीं लगा। टूट गया, देखते देखते जल्दी टूट गया, और इसका नंबर प्लेट भी टिल्ट हो गया। बहुत लोगों ने मेरे बाइजर वाले वीडियो पे कमेंट किया था, भैया बाइजर के साथ नंबर प्लेट थोड़ा सा टिल्ट इंस्टॉल हुआ है, बट अभी सीधा है, आप देख सकते हैं अभी सीधा है, मैंने इसको सीधा कर रखा है, बट मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत हवा आता है, आप लोग बाइक चलाएँगे तो जो हवा पास होता है सीधे आपके हेलमेट के साथ आपके मुँह में लगेगा, और धूल वगैरह सब यहाँ से उड़ता रहता है, उसमें मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो गाइज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाइजर इस बाइक के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, दूसरे बाइकों के साथ भी बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, बट इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें मीटर और इसका जो हेड लाइट है वो थोड़ा अलग टाइप से बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो मीटर है इसका बहुत ही उठा हुआ है, आगे से बहुत ही उठा हुआ है मीटर, इसीलिए ये बाइजर अच्छे से फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, और दूसरे बाइकों में क्या होगा, ये इतना जो गैप पड़ रहा है उतना गैप नहीं आएगा, वो सीधे बाइजर लग जाएगा, तो उसके वजह से बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको निकालना है, अनइंस्टॉल करना है, मतलब इंस्टॉल करके दिखाया था, अब इसको अनइंस्टॉल करना दिखाते। सो बने रहिए वीडियो में, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो गाइज बाइजर मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है, अभी आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है बाइक, मुझे सुकून मिल गया क्योंकि मुझे धूल नहीं खाना पड़ेगा, और जब बाइजर से धूल जा रहा था मेरे फेस में जा रहा था, अब मुझे थोड़ा सुकून मिला क्योंकि ये बाइक बिल्कुल अपने नॉर्मल पोजिशन पर आ गया है। हैंड गार्ड के साथ इस बाइक का लुक इतना अच्छा आता है, मेरे को इतना अच्छा लगता है, आप लोग देख के बताइए।
और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा। आप लोग बने रहिए चैनल के साथ। जो लोग नए थे वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे इंस्टा में जो लोग फॉलो करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाके इंस्टा में फॉलो कर दीजिए, बहुत नए नए पोस्ट मिल जाएंगे आप लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।